Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। What a joy it is to listen to the voice of God. और ये कितने आनंद की बात है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। So before we set out for our activities for today, और इससे पहले कि हम आज के दिन की अपनी प्रक्रियाओं को शुरू करें, कार्यों को शुरू करें, let us listen to His voice. And be encouraged and strengthened and enlightened. आइए हम उसके वचन से सुने, उसकी वाणी से सुने और खुद को सशक्त बनाएं, परिपक्व बनाएं ताकि हम इस दिन में चलने पाएं। Remember the last two meditations we are talking about the grace of God. और याद रखिए पिछले दो मननों में हम परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बात कर रहे हैं। The first thing we considered was the grace of God appeared very often. From unexpected sources. Okay, हमने जो पिछले अपने मनन में बात किया कि किस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह कई बार ऐसे स्रोतों से प्राप्त होता है जिनकी कभी भी आस हम नहीं लगाते, आशा नहीं लगाते। And we also consider secondly the grace of God comes when we least expect it. और इस बात पे भी हमने अपने मनन को किया कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसे उस समय हमें प्राप्त होता है जब बिल्कुल कम आशा या बिल्कुल नहीं होती है किसी भी प्रकार की आशा उस अनुग्रह को पाने की। So today we want to meditate on the last of the series. और आज के दिन हम इस मनन के अंतिम भाग पर अपने मनन को रखेंगे। The grace of God comes in an unexpected way. और परमेश्वर का अनुग्रह कई बार जो है ऐसे रीति से आता है, ऐसे तरीकों से जिनकी हम कभी आस नहीं लगाते। So remember the sequence of it. और कृपया करके इस किस क्रम में हम बढ़ रहे हैं इस बात को याद रखिए। The grace of God comes very often from unexpected sources. कई बार परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे स्रोतों से आता है जिनकी कोई आस नहीं। And secondly, it comes from unexpected time. और दूसरा भाग हमने देखा किस प्रकार से ऐसे समय पर वो हमें मिलता है जब कोई आस नहीं। And today it is unexpected way. और आज के दिन हम मनन करें किस रीति से वो उस तरीके से या उस मार्ग से हमें प्राप्त होता है जिसकी कोई आस नहीं। The example we are using is the story of a man who was lying for a long time by the pool called Bethesda. और इस मनन के लिए जिस कहानी का हम उपयोग कर रहे हैं वो है उस मनुष्य के विषय में जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 2वें वचन से लेकर 9वें वचन में 38 साल से लकवाग्रस्त एक मनुष्य की कहानी है। Now, again, use your imagination a little. और फिर से आप अपनी सोच को थोड़ा सा प्रयोग करिए। Now Jesus had come to him. और यीशु इस मनुष्य के पास आया है। He knew that he was lying there for a long time. और यीशु ये जानता था कि काफी लंबे समय से ये मनुष्य वहाँ पर पड़ा हुआ है। And suppose Jesus had asked him. और मान लीजिए कि यीशु ने अगर उससे पूछा what he wanted, कि क्या वो चाहता है, what would have been his answer? तो उसका क्या उत्तर होता? I think there are three kind of answers he would have given. मुझे ऐसा लगता है कि ये मनुष्य यीशु को पलटकर 3 प्रकार के उत्तर दे सकता था। First of all, he would say. पहले वो या तो वो ये कह सकता था। Help him get into the water at the right time. कि यीशु मेरी सहायता करिए कि आप मुझे उस कुंड में सही समय पर उतार दीजिए। And then, or arrange things so that he could be little more comfortable. या तो वो यीशु मसीह से ये उत्तर में कहता कि कुछ बातों को और इस तरीके से तैयार करिए ताकि मैं अपने स्थान पर और आरामदायक रूप से हो जाऊं। So that he would be more comfortable as if he had to wait for longer time. ताकि अगर उसे और लंबे समय तक इंतजार करना पड़े तो वो आरामदायक स्थिति में वहाँ इंतजार कर सके। And the third. और तीसरी बात। See that no one disturbed him. और इस बात को देखिए कि कोई मुझे परेशान ना करे। Now any of these things would have been less than what Jesus was prepared to give him. और इनमें से कोई भी बातें उन सारी बातों से या उस बात से कहीं नीचे हैं या कम हैं जो यीशु उस व्यक्ति को देने आया था। And very often. और कई बार especially young people, खास रीति से जवान लोग miss out lot of wonderful things that God would have given them. उन अद्भुत बातों को मिस या छोड़ देते हैं या खो देते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए योजना बनाया है। But instead of waiting for God and for His time, और इसकी बजाय कि वो परमेश्वर का और उसके समय का इंतजार करें, they get impatient, they jumped into places and approach people on their own. और इसकी बजाय कि वो इंतज़ार करें, वो खुद उछलकर या किसी रीति से खुद लोगों के पास जाते हैं, अपने रीति से कार्यों को करना चाहते हैं, Especially in the matter of marriage. खास रीति से शादी या विवाह की जो योजना है उसमें very often, कई बार young people miss God's best by going ahead in a hurry and choosing their own person. परमेश्वर के लोग परमेश्वर का सबसे उत्तम खो देते हैं अपनी इच्छाओं या अपनी योजनाओं के अनुसार चलने के लिए। And my friends, one thing we need to understand. मेरे मित्रों, एक बात हम सबको समझनी है। God is able to give you more than you expect. कि परमेश्वर आपको उससे कहीं ज्यादा दे सकता है या योग्य देने के लिए है जो आप सोचते हैं। And what he gives, और जब वो आपको देता है, will be much much higher in value and in character than you or I would go ahead and choose for ourselves. और वो जो आपको देगा वो आपके सोच और आपके उस बात का जो मूल्य है वो कहीं ज्यादा होगा उन बातों से जो आपने सोचा है या योजना बनाई है। But very often, लेकिन कई बार we insist on getting our own way. हम इसी बात पर कोशिश करते हैं या जिद करते हैं कि हम अपनी रीति से कार्यों को करेंगे। And then we get into trouble. और उसके बाद हम समस्याओं में पड़ जाते हैं। They blame God. और उसके बाद वो परमेश्वर के ऊपर आरोप लगाते हैं। And if somebody counsel them, और अगर यदि कोई उन्हें परामर्श देना चाहे, that he should have waited for God's time, कि वो परमेश्वर के समय का इंतजार करते, then we will say, तब हम कहेंगे, if it was not his will, then he could have stopped me. अगर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी तो वो मुझे रोक सकता था ऐसा करने से। No, my friends. नहीं मेरे मित्रों, God is not going to stop you. परमेश्वर आपको नहीं रोकेगा। If you insist, अगर आप इस बात पर जिद करेंगे that you want your own way, कि आप अपने रीति अपने तरीकों से चलना चाहते हैं, He will not stop you. तब वो आपको रोकेगा नहीं। And that's how very often many of us miss God's best and we choose God's second best. और इसी रीति से कई बार हम परमेश्वर का सबसे उत्तम हमारे लिए खो देते हैं और जो दूसरा स्थान की बातें हैं उन्हें ग्रहण करते हैं। But do we miss the best? क्या हम सबसे उत्तम को खो देते हैं? Yes. हाँ। I mean life seems to be normal. और जो जीवन है वो लगता है सही रीति से चल रहा है। Things are running. और चीजें चल रही हैं। It's okay. ये तो ठीक ठाक है। But it is just there. It is okay. और ये वहाँ पर है सिर्फ कहने के लिए हाँ ठीक है। But it would have been much better with God's choice. और ये तो लेकिन परमेश्वर के चुनाव के साथ अगर हमने किया होता तो ये और बेहतर और सबसे उत्तम होता। So as I told you, और जैसे मैंने आपको बताया, any of these three things that he would have asked would have been much less than what God was willing and able to give him. कि 38 साल से लकवाग्रस्त मनुष्य अगर इन तीनों में से किसी भी बात को प्रभु यीशु से मांगता तो ये तीनों बातें उस बात से कहीं छोटी या मूल्य में कम थी जो यीशु इस व्यक्ति को देने आया था। But anyway, लेकिन फिर भी he did not ask for these things. यीशु ने उस मनुष्य ने यीशु से इन बातों के लिए नहीं बोला। But healing could have been the very last thing he would have thought. लेकिन वो चंगाई सबसे अंतिम बात होती जिसके विषय में वो सोचता। That would have been the last thing he would have asked. और ये सबसे अंतिम बात होती जिसको वो मांगता। Because God asked him, "Do you want to be healed?" क्योंकि परमेश्वर ने उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? And consider his answer. और उसके उत्तर को देखिए। Instead of immediately jumping and excitedly say, "Yes, Lord." और इसकी बजाय कि वो रोमांच से भरकर तुरंत कहे हाँ पर प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। He started narrating his disappointment in others and the people who were not helping and his inability to jump into the water first. You know, he was blaming others and the circumstances. और इसकी बजाय वो इस बात को कहे, वो दूसरों को ऊपर दोष लगाने लगा, बहानेबाजी करने लगा. But nevertheless, लेकिन फिर भी Jesus being merciful and kind, यीशु जो दया और करुणा से भरा हुआ है, though he did not directly asked him for the healing, भले ही यीशु ने उससे आगे बढ़कर बड़े स्पष्ट रूप से चंगाई के विषय में नहीं पूछा, that's what he got, लेकिन उसी चंगाई को उसने पाया, that's what Jesus gave him, और उसी चंगाई को यीशु ने उसे दिया. So he said, you rise up, और उसने यीशु ने कहा तू खड़ा हो, and pick up your mat, अपना बिस्तर उठा, and walk, और फिर से चल फिर. And immediately, और तुरंत ही, he was enabled by the power of his word, Jesus's word, and he got up and miraculously and he picked up his mat and he walked. वो यीशु के वचन के सामर्थ्य को उसने पाया, उसके शरीर में वो सामर्थ्य गया और तुरंत वो उठ खड़ा हुआ, अपने बिस्तर को उठाया और चलने फिरने लगा. So what was the price he paid? और उसने क्या दाम चुकाया? No big price. कोई बड़ा दाम नहीं. Just surprise. सिर्फ भौचक्का रह गया. What a surprise it was for him. और कितना बड़ा भौचक्का कर देने वाली बात उसके लिए थी. No struggle. कोई समस्या नहीं, परेशानी नहीं. No trying to jump into the water. और ना ही कोई प्रयत्न की वो उस कुंड में कूदे. Just the word of God. सिर्फ परमेश्वर का वचन. And my friends, the Bible says, और मेरे मित्रों पवित्र वचन ये बताता है, God, in the words of the Apostle Paul, पौलुस प्रेरित के शब्दों में, our God is able to do immeasurably more than what we ask or imagine. हमारा परमेश्वर उन बातों से कहीं ज्यादा करने के योग्य है जिन बातों को हम उससे मांगते हैं. That's what our God is able. और ऐसा ही हमारा परमेश्वर योग्य है. So in everything in our life, और इसलिए हर एक बात में हमारे जीवन में, allow God to do. परमेश्वर को अनुमति दे कार्य करने के लिए, in his way, अपने तरीके से वो करने पाए, let him do in his time, अपने समय पर वो करने पाए, and let him use his method, और होने दे वो अपने तरीकों का प्रयोग करे, and everything will be marvelous and beautiful and you will enjoy. और हर एक बात अद्भुत और सुंदर हो जाएगी जिसका आनंद आप लेंगे. So these are the surprises of grace. और ये है वो अनुग्रह के भौचक्का कर देने वाले विषय. Let us not focus only on one way. और आइए सिर्फ एक ही तरीके की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित ना करें. This is the only way. कि सिर्फ यही एक तरीका है जिसके द्वारा ये हो सकता है. नहीं, leave it to God. इसको परमेश्वर के ऊपर छोड़, हमारी सोच में, दूसरों की सोच में, that may be the only way. सिर्फ यही एक तरीका है. But God has so many other ways. लेकिन परमेश्वर के पास और कई ज्यादा तरीके हैं, that we cannot even imagine. जो हम कभी सोच नहीं सकते. And then, और इसके पश्चात, it can happen any time. ये कभी भी किसी भी समय हो सकता है. It can happen today. ये आज भी हो सकता है. Whatever your need is, जो कुछ भी आपकी आवश्यकता है, whether healing, चाहे चंगाई, or encouragement, चाहे प्रोत्साहन, or whatever, you know, you have been waiting for something, suddenly it can come to you when an unexpected time. अचानक से ये सारी बातें आपके पास आ जाती हैं, एक अचानक जब आप इसकी आस भी नहीं लगाए. And his ways are not our ways. और उसके तरीके हमारे तरीके नहीं हैं. And his time is not our time. और उसका समय हमारा समय के अनुसार नहीं है. Remember, Lazarus died dead. और याद रखिए लाजरस, the two sisters wanted Jesus to come before he died. और लाजरस की मृत्यु हो गई, लेकिन दो बहनें तो ये चाहती थी कि यीशु आ जाए उसकी मृत्यु से पहले. But Jesus arrived there after 4 days of his burial. लेकिन यीशु तो लाजरस के दफनाए जाने के 4 दिन बाद वहाँ पहुँचा. And there is a song these days I enjoy. और एक गीत है जिसको इन दिनों में मैं बड़ा आनंद के साथ सुनता हूँ. That song says, और वो गीत के शीर्षक इस प्रकार है, Jesus was 4 days late. कि यीशु भले ही 4 दिन देरी से था, but isn't it wonderful? लेकिन क्या ये अद्भुत नहीं? Then when Jesus is 4 days late, he is still on time. कि यीशु 4 दिन भले ही 4 दिन देरी से है, लेकिन फिर भी समय पर है. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful Savior. कितना अद्भुत उद्धारकर्ता. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. As you leave things to God and walk in obedience and expect miracles anytime. जैसे आप बातों को परमेश्वर के ऊपर सोचते हैं और उसके अनुग्रह के अनुसार चलते हैं और हर एक बात में उसको ऊंचा उठाते हैं। You don't do things in your own way. आप अपने तरीकों से बातों को ना करें। God has a way. परमेश्वर के पास तरीका है। He has a time. उसके पास समय है। And when he does, और जब वो करेगा, it will surprise you. वो आपको बहुत चक्का करते हैं। Lord, we thank you. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। We need the Holy Spirit. हमें तेरे पवित्र आत्मा का आवश्यकता है। It is the Holy Spirit, O God, to enable us to wait for your time and expect things to happen. ये तो पवित्र आत्मा ही है जो हमारा सहायता करेगा कि हम तेरे समय का इंतजार करें और बातों को तेरे अनुसार होने दें। होने दे ये दिन, आज का दिन एक बहुत चक्का कर देने वाला दिन हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. This is a great day, friend. मेरे मित्रों एक महान दिन है। Enjoy this day. इस दिन का आनंद लें। And walk in His way. और उसके तरीकों में चलें। And give glory to God. और परमेश्वर को सारा महिमा दें। Amen.